श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी तिथि आषाढ़ मास में मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के शयन का दिन होता है। चार मास के लिए भगवान विष्णु शयन यात्रा की ओर निकल जाते हैं, यानी निंद्रा में सो जाते हैं और इस दिन से चतुर्मास का शुभारंभ भी हो जाता है। चार मास भगवान शिव को समर्पित होते हैं। मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किए जाते, तब तक देव नहीं उठ जाते। इस दौरान एकादशी के दिन आप बहुत ही ज़्यादा सटीक उपाय कर सकते हैं, आपकी सर्वश्रेष्ठ मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी ही होंगी। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो देव शनि एकादशी के दिन संध्या काल में आपको छोटा सा एक उपाय करना है। यह उपाय पूज्य गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है। यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। देव शनि एकादशी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है, तो इस उपाय को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। आपको शाम के समय इस उपाय को करना है, तो आप अपने घर में जब भी शाम के समय संध्या आरती अर्चना करते होंगे उस समय आप इस उपाय को करें। आरती संध्या आरती वगैरह हो जाए उसके बाद में आपको घर के उत्तर दिशा में एक छोटा सा उपाय करना है। घर के उत्तर दिशा की ओर आपको एक मिट्टी का दीपक घी की बाती, लंबी बाती वाला ले लेना है और उसे जला देना है। इस समय जगत के पालनहार से सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करनी है और आपके जीवन में जो समस्या चल रही है वह बोलते हुए इस उपाय को करना है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। अगला उपाय है, देवशयनि एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो देवशयनि एकादशी के शाम के समय आपको एक दीपक में आप जो पूजा अर्चना करते हैं, आपके घर में पीतल का दीपक है, चांदी का दीपक है या तांबे का दीपक है, उस दीपक में आप एक लौंग और एक इलायची जरूर डाल लें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, अपकार बहुत ज़्यादा अपार मात्रा में आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। धन की देवी माता लक्ष्मी मानी जाती हैं और माता लक्ष्मी की पूजा आप भगवान विष्णु के साथ करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आप इस दिन इस दीपक को भी जरूर समर्पित करें भगवान विष्णु के समक्ष, माता लक्ष्मी के समक्ष। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय होता है, तो शंख में जल भर करके इस दिन आप भगवान विष्णु का अभिषेक करें, माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। अभिषेक में आप पंचामृत का इस्तेमाल करें और पंचामृत नहीं हो तो कच्चा दूध या जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे उस जल में आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें। शुद्ध गाय का दूध भी आप अभिषेक में ले सकते हैं। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप जो भी दूध इस्तेमाल करते हैं कच्चा दूध आप इस्तेमाल करें। इससे आपके जीवन में कभी भी कोई बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, जो भी समस्याएं चल रही हैं वह समाप्त हो जाएंगी। भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव पर भी आप दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती है, तो इस दिन तुलसी अवश्य चढ़ाएं, साथ ही मंजीरी भी अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अति प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी का भोग अवश्य लगाएं। सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपके घर में आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, तो आप एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। भगवान विष्णु को 7 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित करें। 7 हल्दी की गांठ ले लें और उसमें आप थोड़ा सा इत्र छिड़क लें। एक तुलसी के पत्ते के साथ में 7 हल्दी की गांठ को भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी को 7 कौड़ियाँ जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, आपकी स्थिति काफ़ी सुधर जाएगी और आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी। तिजोरी में रखे हुए आप जो भी सामग्री है, जो अनायास रखी हुई है, जो काम की नहीं है, उन्हें आप निकाल दें। जैसे कि पुरानी जो आप निर्माल्य वस्तुएं होती हैं, फूल पत्तियां होती हैं, उन्हें निकाल करके विसर्जित कर दें और नई पत्तियां, फूल पत्ती, हल्दी की गांठ वगैरह आप ये सब चीज़ें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अर्पित करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे आपके घर में तेज़ी से लक्ष्मी का प्रवेश होता है, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो दर्शकों, आप लोग को ये उपाय कैसा लगा कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।